हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं बीना और बीनास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार, जिसे आप थेपला, परोठा या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, तो चलिए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 100 ग्राम करीबन हरी मिर्च ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसे हम पहले ऊपर से कट लगाएंगे और बाद में इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो शेप आप अपनी पसंद का कोई भी दे सकते हैं। ये जो मिर्च है वो एकदम से तीखी वाली मिर्च नहीं है, ये मीडियम तीखी मिर्च है। तो हमें अचार बनाने के लिए मीडियम तीखी मिर्च ही ले लेनी है। तो इस तरीके के हम सारे टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये जो मिर्च है इसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसी टाइम पे इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नमक ऐड कर देना है। तो नमक आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल दें। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें ऐड करेंगे राई के सीड्स 1 टीस्पून। ये है अचार मसाला। तो अचार मसाला हम यहाँ पर 2 टीस्पून जितना डाल देंगे। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से डालिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिठास के लिए गुड़। तो गुड़ करीबन मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना लिया है, और 3 टेबलस्पून जितना हम गरम ऑयल डालेंगे ऊपर से। तो आपको ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर ऑयल को गरम कर लेना है, उसके बाद ही इसमें हम ऐड करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि ऑयल गरम हो, तो आप हाथों से मिक्स करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो स्पून की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो मसाला है वो एकदम से मिर्चियों में चढ़ेगा नहीं, इसीलिए हाथों से ही इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो हाथों में पॉलीथीन पहन सकते हैं, उसके बाद आप मिक्स करिए मिर्च को, तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि ये जो सारा का सारा मसाला है वो अच्छी तरह मिर्चियों में लग जाए। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना भुना हुआ जीरा। तो जीरा भी डालना बहुत ही ज़रूरी है, उससे ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम ऊपर से मिक्स कर लेंगे। आप इसे 8 दिन तक फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें एक आधा टुकड़ा नींबू का डाल दें। तो उससे क्या है कि आपकी मिर्च बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी और टेस्ट भी मेंटेन रहेगा। तो लीजिए दोस्तों, रेडी है हमारा इंस्टेंट मिर्ची का अचार। इसे गुजराती में आथेला मर्चा भी बोला जाता है। तो आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर से क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख सके। मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।